आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और ऑल इंडिया सर्विस में हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हैं, या आर्मी, CRPF, BSF, SSB, ग्रेफ या इनमें से किसी भी प्रकार के ये आर्मेड फोर्सेस में हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के टाइम में आपको कौन से सेक्शन का ध्यान रखना है जिससे आपको फुल रिफंड मिल सके, ये सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो फुली एग्जेम्प्टेड हैं, तो कुछ अलाउंस ऐसे हैं जो पार्शियली एग्जेम्प्टेड हैं। दोनों प्रकार के अलाउंसेस के बारे में बताऊंगा और किस किस अलाउंस में आप कितना कितना आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं, ये सारा कुछ बताऊंगा। और इसी अलाउंस के एग्जेम्पशन से आप अपने लिए फुल रिफंड पूरी तरह से प्राप्त कर पाएंगे। तो जब आप ऑनलाइन ITR सबमिट करेंगे, ITR 1 सबमिट करेंगे, तो आपको ये सारा एग्जेम्पशन यहाँ से मिल जाएगा। तो किस तरह से लॉगिन करना है, कहाँ जाना है, सारा कुछ मैंने आपने पहले के वीडियो में बताया हुआ है, लास्ट वीडियो में, तो वहाँ जा करके देख लेना किस प्रकार से आप यहाँ पे लॉगिन करके आएंगे। और आगे बढ़ते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं बता ही दिया हूँ, कोई भी मिस्टेक होगा, कोई त्रुटि होगा, ये प्रीफिल्ड रहता है तो उसको करेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे आता है ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। जब आप ग्रॉस टोटल इनकम पर आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे आपको, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरा जब इंटरफेस खुल के आएगा, इसमें लिखा हुआ है सैलरी एग्जेम्पशन, ठीक है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कास्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर आर ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म एटसेट्रा, ठीक है। ये सेक्शन 10(14)(1) के अंतर्गत इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो सिंपली आपको आपका जो यूनिफॉर्म अलाउंस मिला हुआ है मेंटेनेंस, उसके लिए जो 10,000 rupees मिलता है, वो आप सिंपली यहाँ पर ले सकते हैं एग्जेम्पशन उसमें। और साथ ही साथ अगर आप टूर और ट्रांसफ़र के लिए गए हैं, उसके लिए TPT आपको मिला हुआ है, तो उसका आप एग्जेम्पशन यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद में आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ठीक है। ये तीन प्रकार के अलाउंस के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है और इनकम टैक्स के सेक्शन 10(14)(2) के अंतर्गत आप इसमें एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा एग्जेम्पशन आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों, और फुल रिफंड का मिलने का आपका सबसे बड़ा रीज़न भी यही होता है कि यहाँ की अगर आपको जानकारी पूरी तरह से हो गई, तो आप पूरी तरह से रिफंड आप ले पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से अलाउंस में कितना कितना एग्जेम्पशन है, कौन कौन से अलाउंस ऐसे हैं जो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, और कौन कौन से अलाउंस ऐसे हैं जो पार्शियली एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के अलाउंस के बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उनके बारे में बता देता हूं, जो आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, इसमें ओल्ड टाइप से ही मिल रहा है, अभी भी आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बढ़ चुका है इसमें, लेकिन इसमें अभी भी 100 rupees का एग्जेम्पशन मिल रहा है पर मंथ में, ठीक है। इसी प्रकार से जो हॉस्टल अलाउंस है, इसमें मात्र 300 का एग्जेम्पशन मिल रहा है पर मंथ में, ठीक है। इसके अलावा आपको जो एग्जेम्पशन मिलता है सबसे बड़ा, वो मिलता है आपको कंपनसेटरी अलाउंस और जो अन्य प्रकार के एटसेट्रा लिखा हुआ है, यानी कि जो आपको और बहुत सारे अलाउंस, बॉर्डर रेडियस में आप काम करते हैं तो आपको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, तो उसमें जो एग्जेम्पशन मिलता है उन सबको आप क्लेम करेंगे यहाँ पर, तो आपको फुल रिफंड यहाँ से मिल जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे अलाउंस हैं जिनमें आपको एग्जेम्पशन ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पार्शियली एग्जेम्प्टेड पे एंड अलाउंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे एनी स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरियाज अलाउंसेस, ठीक है, या हाई एल्टीट्यूड अलाउंस आर अनकंजेनियल क्लाइमेटिक अलाउंस आर स्नो बाउंड एरिया अलाउंसेस आर एवलांच अलाउंसेस, ठीक है। ये सारे अलाउंसेस के बारे में डिटेल्स में मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, ये सारा डिटेल्स आप देख लेना, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मणिपुर, मोलान, ये सारा अरुणाचल प्रदेश, कॉमेंग, ये सारा एरिया का नाम दिया हुआ है इसमें। तो इसमें 9000 फीट से ऊपर वाले का हिसाब दिया हुआ है, तो इसमें 800 पर मंथ यहाँ पे ये एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एनी स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ बॉर्डर एरिया अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, यानी कि SC RLA, ठीक है, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस और डिस्टर्बेंस एरिया अलाउंस, इन सभी में आपको मिलता है 1300 रुपये पर मंथ का आपको एग्जेम्पशन, ठीक है। जैसे कि आपका अंडमान में निकोबार में हो गया, अंडमान निकोबार में हो गया, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में हो गया, ये सारा लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन सब में आपको 1300 रुपये पर मंथ का यहाँ एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ जो सियाचिन एरिया है, उसके लिए 7000 पर मंथ का एग्जेम्पशन दिया हुआ है। जो अलाउंस आपको सियाचिन अलाउंस मिलता है, उसमें 7000 आप एग्जेम्पशन पर मंथ आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। TPT के बारे में आपको पता ही है, 1800 रुपये पर मंथ मिलता है नॉर्मल केस में, इसमें आप 1600 रुपये पर मंथ आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड के कैटेगरी में कोई आता है,
तो वो 3200 रुपये पर मंथ वहाँ पे एग्जेम्पशन ले सकते हैं। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस होता है जो मिलता है आपको, बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए हुए हैं। अगर आपकी ड्यूटी वहाँ पर है और आपको ये अलाउंस मिलता है तो आपको 2600 रुपये पर मंथ का यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। इसी प्रकार से कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, इसको बोलते हैं CMFAA, ठीक है। तो ये अगर आप आर्मी में काम करते हैं और आपको ये अलाउंस मिलता है तो इसमें आप 1000 रुपीज़ पर मंथ आप यहाँ पे एग्जेम्पशन ले सकते हैं। एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर्स ऑफ आर्मेड फोर्सेस ऑपरेटिंग इन एरियाज अवे फ्रॉम देयर परमानेंट लोकेशन, ठीक है। इस पर आपको 3900 रुपये पर मंथ का, इंडिया में आप कहीं भी हैं इसमें आपको एग्जेम्पशन मिलता है। उसके बाद आ जाता है हाई अल्टीट्यूड एरिया अलाउंस, ठीक है, यानी कि HAA। तो इसमें अगर आप हाई अल्टीट्यूड जो 9000 फीट से लेकर के 15000 फीट तक में हैं अगर आपकी ड्यूटी, तो आपको अलाउंस चाहे कितना भी मिलता हो, चाहे 2700 रुपये मिल रहा हो आपको, तो उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलेगा 1060 रुपीज़ का, ठीक है, पर मंथ इसमें मिलेगा। और जो 15000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर जो काम कर रहे हैं उनको जो ज़्यादा अलाउंस यहाँ पर मिल रहा होगा तो उसमें आपको 1600 रुपये पर मंथ का यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगा। इसी प्रकार से एनी स्पेशल अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर्स ऑफ द आर्मेड फोर्सेस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड अलाउंसेस, यानी कि हाफा जिसको आप लोग बोलते हैं, तो हाफा के लिए आपको 4200 रुपये पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है इंडिया में आप कहीं भी हो। उसके बाद एनी स्पेशल अलाउंसेस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ आर्मेड फोर्सेस इन द नेचर ऑफ आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस, तो इसके लिए आपको 3250 रुपये का एग्जेम्पशन मिलता है। इसी प्रकार से अगर आपको SDA मिलता है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में आप काम करते हैं और आपकी ड्यूटी नॉर्थ ईस्ट एरिया में लगी हुई है और आपको SDA मिलता है यानी स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है, तो इसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। इसमें एग्जेम्पशन लेके आप गलती मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा आपका इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो आपको जो जो अलाउंस मैंने बताया है उन सब में एग्जेम्पशन मिलता है, उनको क्लेम करिए और आपको पूरी तरह से रिफंड आने की संभावना यहाँ से ज़्यादा होगी या रिफंड अमाउंट आपका पूरी तरह से बढ़ जाएगा। इसके साथ ही साथ कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे कि ये लिस्ट आप यहाँ पे देख लीजिएगा स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ आपको। तो नेचर ऑफ पेन अलाउंसेस यहाँ दिया हुआ है, गैलेंट्री अवार्ड हो गया, फॉरेन अलाउंस हो गया, भूटान कंपनसेटरी हो गया, सर्वेंट वेजेस अलाउंस हो गया, परचेस ऑफ क्रॉकरी ये हो गया, आउटफील्ड अलाउंस हो गया पोस्टिंग टू MBC में, एरियर्स ऑफ कैश ग्रांट फॉरेन अलाउंस हो गया नेपाल में, म्यांमार अलाउंस हो गया, रिप्रेजेंटेशन ग्रांट फॉर यूज ऑफ क्रॉकरी सेट हो गया, इन्केसमेंट ऑफ लीव एंड लीव ऑन रिटायरमेंट, वेदर ऑन सुपरनेशन वॉलंटियर रिटायरमेंट रिलीज इनवेलिडमेंट एट्सेट्रा, इन सब में ये जो अलाउंस मिलेगा आपको वो फुली एग्जेम्प्टेड है। आउटफुट अलाउंस इनिशियल और रिन्यूअल दोनों फुली एग्जेम्प्टेड है। कंपनसेशन फॉर द चेंज ऑफ यूनिफॉर्म ये भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। किट मेंटेनेंस अलाउंस ये भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। यूनिफॉर्म अलाउंस पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। स्पेशल विंटर यूनिफॉर्म अलाउंस ये भी पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। एनी पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड ये भी एग्जेम्प्टेड है। पे ऑन कंपनसेशन डिसेबिलिटी पेंशन ये सारे कुछ आपको पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, फुली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपके PDA ने या आपके PAO ने आपसे ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट कर लिया है तो वहाँ से आपको इस तरह से आप एग्जेम्प्शन ले सकते हैं, इस तरह से आप क्लेम करके अपना पूरा रिफंड आप ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। और अगर आपको हाउस लोन पे या होम लोन आपने लिया है उसके इंटरेस्ट पे आपको फुल रिफंड चाहिए, या HRA कैसे क्लेम करना है, आपको वहाँ से कैसे रिबेट मिलेगा, कैसे एग्जेम्पशन मिलेगा, ये सब कुछ जानना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।